मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने और 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब कमलनाथ सरकार के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। एमपी में सत्ता के लिए संघर्ष के बीच विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कांग्रेस के बागी विधायकों को 15 मार्च तक पेश होने का नोटिस दिया है। इससे पहले प्रजापति ने सभी 22 विधायकों को 3 अलग अलग तारीखों में बुलाया था। अब 15 मार्च को शाम 5 बजे तक पेश होने का समय दिया गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर सभी विधायक स्पीकर के सामने उपस्थित नहीं हुए तो सरकार फ्लोर टेस्ट टाल सकती है। सरकार सभी विधायकों के उपस्थित नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। नियम ये भी है कि सभी विधायकों को स्पीकर के सामने उपस्थित होना ही जरूरी है। संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों के इस्तीफे की जांच की मांग की और कहा कि इन विधायकों को स्पीकर के समक्ष बुलाया जाए और ये जांच पड़ताल की जाए कि उन्होंने त्याग पत्र यानी कि इस्तीफा किन हालातों में दिया है। संसदीय कार्य मंत्री ने ये भी कहा है कि अगर ये इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए गए तो उन्हें कैंसिल किया जाए। आपको बता दें कि बैंगलोर के रिजॉर्ट में ठहराए गए कांग्रेस के 19 विधायक और बाद में 3 और विधायक अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज चुके हैं। विधानसभा स्पीकर द्वारा नोटिस जारी करने के बाद उनमें से 6 विधायकों को शुक्रवार को भोपाल आना था, लेकिन दिन भर के इंतजार के बाद आखिरी मौके पर उनका आना कैंसिल हो गया। इससे पहले कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी भी विधायकों से मिलने बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया। वहीं बेंगलुरु गए विधायकों से मिलने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और कहा जा रहा है कि वो लगातार विधायकों से संपर्क में है।